सेकेंड सेमिस्टर रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 8 के अंतर्गत यूनिट नंबर 1 के एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज अनुसंधान या संशोधन में कैसे होता है, उसकी यूसेज में क्या क्या अवेलेबिलिटी हैं और कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं हूं आपका प्राध्यापक डॉक्टर के वी सोमनाथ, जी एस कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वर्धा, महाराष्ट्र। सबसे पहले ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च में टेक्नोलॉजी का पार्ट जनरली कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एकेडमिक्स में यूज़ करते हैं, जैसे रिसर्च स्कॉलर्स यूज़ करते हैं, प्रोफेसर्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा रेगुलरली जो रिसर्च होता है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च बोलो, सोशल साइंस रिसर्च बोलो, वहाँ पे रिसर्चर्स कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं। पुराने ज़माने में उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना रहने की वजह से सभी मैन्युअली काम करते थे, लेकिन धीरे 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 हर जगह में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना अनिवार्य हो गया है। उसके पीछे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो एक्यूरेसी लेवल्स बढ़ाने के लिए हो सकता है, दूसरा जो डाटा एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग जो है उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू हो गया है, कैलकुलेटर हो गया, हैंड मशीन्स हो गया, कंप्यूटिंग मशीन्स हो गया, उसके बाद कंप्यूटर्स आ गया, तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए। और उसके अलावा 1990s में बहुत बड़े पैमाने पर वर्ल्ड वाइड वेब, जो इंटरनेट अपन बोलते हैं, www, उसकी यूज़ ज़्यादा बढ़ गई है और डाटा और इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब www जो इंटरनेट बोलते हैं, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गया और होते रहा। और प्रिंट, ऑडियो एंड वीडियो, ये सभी फॉर्मेट्स में अपने को जितना ज़्यादा डाटा हो सके उतना ज़्यादा डाटा अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी हो गया है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलो, उसकी यूसेज दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। और बिना इंटरनेट, बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज पूरी दुनिया या वर्ल्ड नहीं चल रहा है, ऐसा बोलने में कोई हरकत नहीं है। और डे टू डे जो यूज़ ऑफ इंटरनेट भी बढ़ते जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बढ़ते जा रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज भी बढ़ते जा रहा, ऑटोमेटिकली द कास्ट ऑफ यूसेज भी कम होते जा रहा। उसके अलावा क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ IT एंड ICT यूसेज भी बढ़ते जा रहा। तो इनके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में अभी ऑनलाइन सर्वेज आ गया, सॉफ्टवेयर पैकेजेस आ गया, तो उसके जरिए डाटा कलेक्शन सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चनर्स के जरिए जनरेट करना हो गया है। जैसे अभी ईमेल पे ऊपर क्वेश्चनर्स भेज रहे हैं, कहीं से भी आप डाटा पूरे वर्ल्ड में कलेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म यूज़ करके उसको अपन व्हाट्सएप में भेज रहे हैं या ईमेल में भेज रहे हैं और अदर सोशल मीडिया के ऊपर भी भेज रहे हैं और लोगों से डाटा कलेक्शन कर। और पर्टिकुलरली जब से ग्लोबली ईमेल आ गया है और कनेक्टिविटी बढ़ गया है, ऑटोमेटिकली डाटा कलेक्शन थोड़ा बहुत आसान हो गया। और जो नए रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो इंटरनेट के यूज़ कर रहे हैं, उनके भी बहुत सारी सुविधा उपलब्ध हो गए। ऑनलाइन जर्नल्स मिल गए, डिजिटल लाइब्रेरीज मिल गए हैं, ग्लोबल लेवल की एक्सेस मिल गए हैं। अपने जो फ्रेंड्स है, कोलीग्स है रिसर्च करने वाले, उन लोगों से इंटरेक्शन ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। इंटरनेशनल एंड ग्लोबल एक्सेस की जो एकेडमिक लेवल की जो स्टैंडर्ड्स है वो बढ़ते जा रहा है, क्वांटिटी और क्वालिटी भी कंसर्न बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। बहुत सारे जगह पर हार्ड कॉपीज ऑफ जर्नल्स एंड मैगजीन्स उपलब्ध नहीं रहने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल वर्जन्स के जरिए अवेलेबिलिटी हो गया है। और यूज़
ऑफ आईसीटी एंड आईटी इन एजुकेशन एंड रिसर्च दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, चाहे एकेडमिक रिसर्च हो या लेबोरेटरी रिसर्च हो या सोशल रिसर्च हो। तो हर जगह में रिसर्च के अंतर्गत यूज ऑफ आईटी एंड आईसीटी एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज डे टू डे बढ़ते जा रहा है। जनरली ये जो रिसर्च जो है इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी जब यूज करते हैं ये तीन पार्ट्स के अंदर यूज करते हैं। एक है इंफॉर्मेशन एंड डेटा कलेक्शन के जगह, दूसरा डेटा को स्टैटिस्टिकल लेवल में और टेक्स्ट लेवल में रखते हुए उसको एनालाइज करने को, प्रोसेसिंग करने को और उसकी एडिटिंग करने को, और उसके बाद तीसरी जो है जो रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करने को, इंटरप्रिटेशन करने को और टेस्टिंग करने को और रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करने को। ऐसे तीन लेवल्स में यूज ऑफ आईटी एंड आईसीटी एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज आजकल रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण लेवल से इस्तेमाल करना हो रहा है। तो अभी पहले देख लेते हैं रिसर्च के अंतर्गत जो स्टैटिस्टिकल पैकेजेस है और SPSS जैसे सॉफ्टवेयर टूल्स है, ये टूल्स को हम रिसर्च में कैसे यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में ये SPSS और स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, ये पैकेजेस यूज कर रहे हैं। SPSS का फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस रिसर्च। तो उसमें क्या क्या आता, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, स्क्यूनेस है, मेजर्स ऑफ डिविएशन है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स है। इसके अंतर्गत जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं वो सभी स्टैटिस्टिकल पैकेजेस और SPSS सॉफ्टवेयर टूल्स में अवेलेबल है। इसके बाद दूसरा है मेथोडोलॉजिकल एनालिसिस, जो यूसेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेथड फॉर एनालाइजिंग ए पर्टिकुलर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जैसे अपन रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ते हैं। तो उस समय पे जो टेस्टिंग करना अनिवार्य है तो वो क्या क्या टेस्ट है, एनोवा एनालिसिस बोलते हैं, एनालिसिस एनोवा, एनोवा माने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम एनोवा बोलते हैं। टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, मनोवा मल्टीवेरिएट एनालिसिस, चाई स्क्वायर टेस्ट, डाटा माइनिंग, ये जो जगह पे बहुत सारे जो टूल्स एंड टेक्निक्स है वो पैकेजेस के अंतर्गत अवेलेबल है। तीसरा है प्रेडिक्टिव एनालिसिस, इसके अंतर्गत प्रोबेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस करके हम यूज कर सकते हैं, डाटा माइनिंग फिर भी यूज कर सकते हैं, मार्केट बास्केट एनालिसिस एंड प्रायरी एल्गोरिदम में यूज करते हैं, ये तीसरी लेवल ऑफ एनालिसिस। और चौथी लेवल ऑफ एनालिसिस है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसके अंतर्गत नंबर्स एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स फ्रॉम SPSS को यूज करते हैं, स्क्वायर रूट्स एंड अदर इनबिल्ट स्ट्रिंग्स एंड न्यूमेरिकल फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा एवरेज सब काउंट टोटल सब टोटल एक्सेट्रा इसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो टूल है रेफरेंसिंग टूल्स या ई गवर्निंग टूल्स है, इसके अंतर्गत जैसे हमको मालूम है ऑनलाइन पे जो सुविधाएं अवेलेबल है वो यूज कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ओवरऑल सिटीजन्स के लिए, लोकल लेवल बोलो, नेशनल लेवल बोलो या इंटरनेशनल लेवल बोलो, जैसे स्वयं प्रभा है, स्वयं प्लेटफॉर्म के अंतर्गत NPTEL के अंदर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ई शोध सिंधु है, ई यात्रा है, ई आचार्य है IIT खड़गपुर का, इन्फ्लिपनेट है, एरिक करके है एजुकेशन रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सेंटर, वैसे ई विद्वान है। तो ये सभी जो है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे ऑनलाइन सोर्सेस ऑफ डाटा एज वेल एज नॉलेज अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी सोर्सेस। उसके बाद तीसरा है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन टूल्स, इसमें वाईफाई मालूम है, लाईफाई मालूम है, ब्लूटूथ मालूम है, इंफ्रारेड टूल्स मालूम है, TCP एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है, फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस मालूम है, जैसे पेन ड्राइव है, जैसे अपने पास हार्ड डिस्क है,
उसके बाद वर्चुअल स्टोरेज एवेन्यूज जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, गूगल अरेंजमेंट्स है, उसके अंतर्गत वर्चुअली हम स्टोरेज कर सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज टूल्स है, एंड ईड्रा मैक्स, ऐसे जो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन टूल्स है वो भी एक रेवोल्यूशनरी एरियाज ऑफ यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसर्च एंड एनालिसिस में हो रहा है। और चौथा है डिजाइनिंग टूल्स, ये जनरली टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग लेवल्स में ज़्यादा यूज में आते हैं, जैसे ग्लिफी डायग्राम, क्लिक चार्ट, क्रिएटली, MS विजियो, कोरल ड्रा, मैक डिजाइनर, ऑटोडेस्क प्रोडक्ट डिजाइन शूट, मैटलैब, ऐसे टूल्स है, ये ज़्यादा से ज़्यादा CAD एंड CAM में यूज करते हैं। जैसे अपन ये दोनों वर्ड्स अपन देखें, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, CAM कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट, ये जो जगह पे है ये जैसे डिसीशन मेकिंग टूल्स में इसको यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू अपने को एनालिसिस कर सकता है टेक्निकली, उसको इनबिल्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोग्रामिंग टूल्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन, जैसे सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज SQL एंड वो SQL, ये बेसिक डाटा बेस जो है उसको टेस्टिंग करने में, उसको एनालाइज करने में, उसको प्रोसेसिंग करने में मदद करने वाले जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टूल्स है डाटा मैनिपुलेशन करने के लिए जो अवेलेबल है वो भी हम यूज़ करते हैं। उसके अंतर्गत जावा बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, .NET टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, वेब बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, और SQL बेसिक डाटा बेस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, एनवो SQL बेसिक डाटा बेस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपन साधारण अपन जनरली यूज़ करने वाले MS Office जो है उसके अंतर्गत MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, ये जो पैकेजेस भी यूज़ करके रिसर्च के जगह पे हम यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज भी यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग टूल्स भी यूज़ करते हैं, और उसके अलावा अदर MS Office तो है, इसके अलावा जो अदर पैकेजेस है जो ऑफिस तरीके में यूज़ करने वाले वो भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा अभी ओपन और ऑनलाइन सोर्सेस जो है वहाँ पर भी हम यूज़ करें, जैसे गूगल मीट के जरिए इंटरव्यू ले सकते हैं, डाटा ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे जो ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल है, मोबाइल ऐप्स अवेलेबल है, जिसके जरिए भी रियल टाइम डाटा कलेक्शन भी हो रहा है, रियल टाइम डाटा एनालिसिस हो रहा है, रियल टाइम डाटा शेयरिंग हो रहा है, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है, रियल टाइम प्रोसेसिंग भी हो रहा है, और कनेक्टिविटी बढ़ गया है तो शेयरिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर, तो ये सभी जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों तरीके से जो डाटा रिसर्च के अंतर्गत यूज़ करने की जो पद्धतियां हैं वो रिवोल्यूशनरी वे में चेंजेस आते जा रहा है। तो ऐसे दिन पे दिन एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ इन रिसर्च बहुत बढ़ते जा रहा है, इससे जो रिसर्च की जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी की जो लेवल्स है वो बढ़ते जा रहा है और स्टैंडर्ड्स ऑफ रिसर्च भी बढ़ते जा रहा है। ये सभी बातें हमारे कोई अवेलेबल हो रहा है जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूसेज इन रिसर्च के अंतर्गत हो रहा है। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड वेल एंड यू हैव टू गो थ्रू सेवरल थिंग्स विच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट सोर्सेज एज वेल एज यू हैव टू वेरीफाई दिस पर्टिकुलर लेसन सो मेनी टाइम्स एंड वेर एवर यू गेट एनी डाउट गो थ्रू द इंटरनेट सोर्सेज टू वेरीफाई दैट पर्टिकुलर वर्ड और एन एक्रोनिम और द पर्टिकुलर सिचुएशन। ये सभी बातें आपको ध्यान पे रखना है क्योंकि आगे जाकर आपको भी रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अलावा आपके लाइफ में भी जो रिसर्च एवेन्यूज है जिसके जरिए आप खुद एम्प्लॉय हो सकते हैं और कंसल्टेंसी फर्म्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सभी बातें आप नज़र में रखते हुए ये जो लेसन है इसको बहुत बार देखो और समझो और इसकी एप्लीकेशन एंड यूसेज को बढ़ाते जाओ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, have a nice time, stay safe and stay secured, bye.